I would like to welcome you all on behalf of GMC, and a very, very happy new year to all of you. So we have waited long for this day to gather again, and we have waited a long time for all of you. We would just move by down the memory lane and watch GMC walk through. Now, I would like you to watch news stories prepared by our journalism students. करीब 34 साल पहले बसा नोएडा वाकई बहुत खूबसूरत शहर है। शुरू शुरू में लोग इसे नो आइडिया भी कहते थे, लेकिन यहाँ की प्लानिंग और तरक्की से आज ये देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक बन गया है। Now I'll request our director, Mr. N.R. Mohanty, to speak a few words to you. I once again welcome all the students, ex-students and ex-teachers. It's just a platform we try and provide to our ex-teachers and ex-students to interact with each other. We are planning to have a talent hunt. Yes. Small time fun program in which all of you will participate. So, alumni, are you ready? Yeah. Yes. Okay. First category is for mimicry and mono acting. Who wants to volunteer for that? मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं यहाँ पे 2008 से 2010 के बैच में था। डीजे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मैंने यहाँ से किया है, और अभी एज ए लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर मैं एक ट्रांसलेशन एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। आप लोग सब इधर आया बहुत अच्छा लगा आप लोग इधर आया। हम लोग ऑर्गेनाइज करता है ऐसा ऑर्गेनाइज कभी कभी होना चाहिए। सभी लोग पुराना नया मिलेगा तो नया बने, कुछ नया होता है, थॉट्स आते हैं। और आज हमारे बीच हमारे आलम सर मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ है, शायद किसी कारणवश आ नहीं पाए। क्या हो गया, आ जाएंगे, कोई परेशानी और बात आई? हम लोग रगे नहीं है, आप रगे नहीं है, हम पढ़ा के चले जाएंगे फिर भी याद आएंगे। ऐसे ही अवसर पे हम नहीं आते, अचानक लोग क्यों हमें नहीं बुलाते। मूविंग ऑन टू अनदर कैटेगरी, सिंगिंग। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिखा जोशी। मैं यहाँ 2008-2010 के डीजे बैच में थी, और प्रेजेंटली काम कर रही हूँ विराट वैभव के लिए एज अ सब एडिटर। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा तिनका। Myself प्रीति भड़वाल, मैं 2008 से 2010 की बैच में थी, और इस टाइम मैं सीनियर ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रही हूँ SDL मल्टीलिंगुअल। आहा सरली मर्जिया लगी गे तेरी रोकली मुखड़ी में, आहा पिचक में रह गयूंगी तेरी बांसुरी मुखड़ी में। Wonderful, lovely. मैं 2009 के बैच का पीजी जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी तक मैं पानीपत दैनिक जागरण में कार्यरत था, इस समय विराट वैभव में आ गया हूँ। मैं हरियाणा का पत्रकार हूँ, और हरियाणा के लोग हमारे बड़े विलक्षण। एक बार मैं सोनीपत में जनाब खड़े बस में चढ़े, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता हूँ। बोले अबे तकलीफ दे के तो देख। हमने कहा मेरा मंथन का विषय रहा, मैं जब तक पानीपत में रहा हरियाणा में रहा, मंथन का विषय रहा कि आखिर हरियाणा जैसे उर्वरा धरती में जहाँ से कल्पना चावला और ये विजेंद्र साइना जैसी उभरती प्रतिभाएं हैं, वहाँ पे इतना वाणी में इतनी विलक्षणता कहाँ से आ गई। तो इसके सूत्र हमें महाभारत काल से मिले।
पता ये चला कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में बजाई बांसुरी तो वहां पे मिठास भर गई और हरियाणा में बजाया बांस हरियाणा में जाया बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश हरियाणा में दिया और हरियाणा वालों ने उसको सीरियसली लिया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शरीर नश्वर है मल्लिका शेरावत की हरियाणा की है तो खुलेआम बता रही कि शरीर नश्वर है Now the result is ready and I will request the judges to come here and give a tip. Santana ma'am, please announce the Miss alumna. Shikha Joshi. Any surprises for Mr. Alumni? What do you say, Surya? Yeah. Yeah, this is Surya. Yeah. Right, give it a big hand, Surya.